मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की राय। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बना डिप्रेशन कमजोर होकर झारखंड छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है, जो संभवतः आज कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद गुरुवार से डिप्रेशन में चक्रवात में बदल सकता है और इसके बाद बारिश में कमी आ सकती है। नमस्कार, मैं प्रदीप मारुता, मौसम विज्ञानी। अगर मध्य प्रदेश के मौसम की अगले 24 घंटे के दौरान बात करें तो एक डीप डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से के ऊपर बना हुआ था, वो अगले 12 घंटे के दौरान कमजोर होकर डिप्रेशन के फॉर्म में झारखंड के आसपास रहेगा। मानसून ट्रफ की बात करते हैं तो मानसून ट्रफ इस समय अमृतसर, रोहतक, शाजापुर, लखनऊ, डाल्टनगंज से होते हुए जो डीप डिप्रेशन के केंद्र से होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इन सभी का प्रभाव जो मध्य प्रदेश के मौसम पर है वो इस प्रकार से है। जैसे जैसे सिस्टम आगे मूव कर रहा है वो कमजोर हो रहा है और अगले 48 घंटे के दौरान यह सुस्पष्ट निम्नदाब के क्षेत्र के फॉर्म में विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, इन जिलों में भारी बारिश की अति भारी बारिश की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट एवं राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, श्योपुर, ग्वालियर, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीसरे दिन की बात करते हैं तो सिस्टम और कमजोर होकर चक्रवाती घेरे के रूप में ग्वालियर एवं झांसी के ऊपर स्थित रहेगा। इसके कारण श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन तीन जिलों में अति भारी बारिश की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट एवं श्योपुरी, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, नीमच, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, अलीराजपुर, बड़वानी, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी में भी भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 18 सितंबर को बारिश की संभावना। भिंड, मुरैना और श्योपुरकलां में 18 सितंबर को भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि विदिशा, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज और कल दो दिनों में भी कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां के लोगों के सतर्क रहने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सिंगरौली, चितरंगी में सबसे ज्यादा 105.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, मऊगंज में 76 मिमी और शहडोल, जैतपुर में 45 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही रीवा और शहडोल संभागों के सभी जिलों के अलावा करीब 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है।